इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या एसी अल्टरनेटिंग करंट्स, ये दो चैप्टर्स हैं, ये एक चैप्टर नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक पार्ट है जो कुछ दिन चलेगा और बाकी पार्ट में एसी चलेगा। तो अगले 15 दिन ईएमआई चलेगा, उसके अगले 15 दिन एसी चलेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करने से पहले सबसे पहले हमने अभी तक किया क्या, हमने ये किया कि करंट कैरिंग लूप को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखें, हमने किया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है और करंट कैरिंग लूप उसमें रखें तो वो क्या जनरेट करेगा, टॉर्क। तो वो टॉर्क जनरेट करेगा, वो घूमेगा, हमने ऐसा किया। इस चैप्टर में हम ये करेंगे कि टॉर्क हम जनरेट करेंगे क्वाइल में, टॉर्क हम जनरेट करेंगे क्वाइल में, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम घुमाएंगे क्वाइल को और उसमें करंट अपने आप पैदा हो जाएगा। और जो चीज़ अपने आप पैदा होती है फिजिक्स में, उसके आगे नाम क्या लगते हैं, इंड्यूस। तो इंड्यूस करंट पैदा होगा, ये बैटरी का करंट नहीं है, ये अपने आप पैदा हुआ करंट है, इंड्यूस करंट। ऐसा क्यों हुआ इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये फिनोमेना हम फॉलो करेंगे। और डैम पे यही तो हो रहा है, पानी गिरता है, टर्बाइन घूमती है, कॉइल घूमती है, मैग्नेट पड़ी हुई है वहाँ पे डैम पे। जब कॉइल घूमती है मैग्नेट्स के बीच में तो अपने आप करंट पैदा होता है और वो करंट हमारे घर तक पहुँचता है, जिसको ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट बाद में पढ़ते हैं, पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, करंट कैसे पैदा हुआ, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने के लिए आपको पहले क्या सीखना पड़ेगा, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक जैसे हैं। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ गिवन एरिया परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का तरीका ठीक वैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में था। इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या था, फ्लक्स ई डॉट डी एस, मैग्नेटिक में क्या है, बी डॉट डी एस, याद है, ई डॉट डी एस, बी डॉट डी एस। तो इसमें कई बार क्या होता है कि करंट कैरिंग लूप की वजह से भी फ्लक्स निकालना होता है, तो बी ए कॉस थीटा तो होगा ही होगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, तो बी ए कॉस थीटा, फिर थीटा इज एंगल बिटवीन वी बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। पर अगर नंबर ऑफ टर्म्स भी है उसमें तो आपको एन से क्या करना पड़ेगा, एंड में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये फ्लक्स की वैल्यू है, कैसे कैलकुलेट करिए बताई हुई है। फ्लक्स के यूनिट इसमें होते हैं वेबर, वेबर। तो फ्लक्स होता क्या है, बी इंटू एरिया, तो वेबर इज बी का मतलब टेस्ला, इंटू एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर। तो वन टेस्ला का दूसरा मतलब क्या है, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी हमने कई बार यूज किया, वेबर बाय मीटर स्क्वायर टेस्ला होता है। तो ये रहा। और सीजीएस यूनिट क्या होते हैं फ्लक्स के, मैक्सवेल। तो वन वेबर 10^8 मैक्सवेल। क्लियर है यहां तक? तो ये फ्लक्स की बात हो गई। अब अगर हम बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डेफिनेशन में, फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग करंट या ईएमएफ, जनरेटिंग अपने आप करंट या ईएमएफ को जनरेट करना, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड ईएमआई। तो इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर सपोज करो ये नॉर्थ और ये साउथ, तो यहाँ इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रेजेंट है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से कहाँ है, नॉर्थ इस तरफ है। चलो इमेजिन कर लो, फ्लक्स को ऐसे कैलकुलेट कर नहीं सकते, इमेजिन करो यहाँ पर 100 लाइंस हैं जो इसको परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही है, तो इसका फ्लक्स 100 है। अगर फ्लक्स इसमें 100 है और अगर ये कॉइल ऐसे पड़ा हुआ है तो फ्लक्स इसमें मैक्सिमम है, क्योंकि मैक्सिमम लाइंस में क्रॉस कर रही है परपेंडिकुलरली। पर अगर मैं इसको ऐसे घुमाना शुरू करूं तो नंबर ऑफ लाइंस कम 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 करते करते क्या हो गई, जीरो, इसका फ्लक्स जीरो हो गया। फिर फ्लक्स इंक्रीज करते करते मैक्सिमम हो गया, और फिर करते 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 जीरो हो गया। तो फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज, कभी ज्यादा कम, ज्यादा कम, चेंज हो रहा है। तो जब भी आप किसी भी कंडक्टर का फ्लक्स चेंज करेंगे, मैंने ये नहीं कहा इंक्रीज करेंगे, मैंने ये नहीं कहा डिक्रीज करेंगे, चेंज करेंगे, चेंज कैन बी इंक्रीज, चेंज कैन बी डिक्रीज, तो ऐसे केस में क्या पैदा हो जाएगा, एक इंड्यूस करंट या ईएमएफ। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब फ्लक्स कैलकुलेट करने के और भी कई तरीके हैं, सॉरी, फ्लक्स को चेंज करने के और भी कई तरीके हैं। फ्लक्स होता क्या है, बी ए कॉस थीटा। मेरे एग्जाम्पल में बी कॉन्स्टेंट है 100, जो भी है, मैंने चेंज नहीं किया, मैंने कॉइल को घुमाया, मैंने एरिया भी चेंज नहीं किया, एरिया लूप का रिमेन सेम। अब एक चीज बताओ कि अगर बी वेक्टर ऐसे है और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो इसमें बी और एरिया में एंगल क्या है, जीरो। तो जब मैं इसे घुमा रहा हूं तो एरिया वेक्टर घूम रहा है, एरिया वेक्टर घूम रहा है, तो एरिया वेक्टर बी के साथ एंगल बना रहा है थीटा,
थीटा चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है BA cos थीटा में, जब मैं लूप घुमाता हूं तो थीटा चेंज होता है, और थीटा चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है तो EMF जनरेट हो जाती है। लेकिन कोई कहेगा कि मैं तो कॉइल को घुमाता नहीं, तो फिर मैंने कहा क्या करेगा, वो कहता मैं एक मशीन लेके आता हूं जो बी को चेंज कर सकती है, तो यहां पर बी 100 टेस्ला 20 टेस्ला 100 टेस्ला 20 चेंज कर रहा है। अब बोलो इसमें क्या होगा, क्या इसमें करंट पैदा होगा? बिल्कुल होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है भाई। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स को चेंज करने का पहला तरीका, बी को चेंज कर दो, कॉइल को मत मूव करवाओ। दूसरा तरीका, इसका एरिया छोटा बड़ा कर दो, बी को कॉन्स्टेंट रखो, एरिया कम एरिया ज्यादा, एरिया कम एरिया ज्यादा, तो भी करंट पैदा हो जाएगा। तीसरा तरीका, अगर बी और एरिया नहीं चेंज करना तो इसको घुमा दो, एंगल चेंज कर दो, जैसे मर्जी कर दो, फ्लक्स चेंज होना चाहिए तीनों में से, तो इसमें करंट या ईएमएफ पैदा हो जाएगी, इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं उसे। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना समझ में आ रहा है क्या एक्चुअल में?